तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसकी गाइस वायर बढ़ भी जाती है और इसके अंदर चली भी जाती है। और ये अगर आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। ये जो है कम कॉस्ट में ही बन जाता है, आप लोग को ज़्यादा कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आप लोग जो इसको बना सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस चलिए इसको देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को पड़ेगी दो पाइप की ज़रूरत, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 4 इंची पाइप और एक 3 इंची पाइप है। तो इनको सबसे पहले कट करते हैं और देखते हैं हम लोग कितना कितना कट करना है। अपने हिसाब से आप लोग कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं अपने जो है इस वीडियो में आप लोग को सारी डायमेंशन भी बताऊँगा। तो गाइस इसको जो है जल्दी से कट करते हैं पहले। तो देखो मैंने सबसे पहले इनको कट कर लिया है और ये जो है 6 सेंटीमीटर लंबा है और गाइस ये वाला जो है 8 सेंटीमीटर लंबा है। हम लोगों ने इनमें जो है 2 सेंटीमीटर का फ़र्क रखा है, इससे गाइस ये जो इसके अंदर अच्छे से फिक्स आ सके। तो गाइस इसके बाद अभी हम लोग को इनकी एंड कैप को काटना पड़ेगा, तो उनको भी काटते हैं जल्दी से। मैंने कुछ पीसेस को तो यहाँ पर कट कर लिया और इनका जो क्या यूज़ है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा आगे। और उसके बाद हम लोग को लेने हैं कुछ इस प्रकार के, यहाँ पर दो, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं पीसेस हैं। गाइस ये जो है स्विच है और गाइस ये है 5 पेन। तो गाइस अभी हमको यहाँ पर जो है इस छोटे वाले पीस में हम लोग को इसकी मार्किंग करनी है और गाइस हम लोग को इन दोनों को इसके अंदर जो है लगा देना है कुछ इस प्रकार अच्छे से। तो इसकी जो है मार्किंग करते हैं और गाइस इसको जो है कट करके इसको फंसाते हैं। इसमें भी हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम लोग को यहाँ पर जो है इसमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग वायर का यूज़ करेंगे। और दोस्तों हम लोग इसमें यहाँ पर एक वायर तो सीधा हम लोग इससे मेन दे देंगे और गाइस एक वायर इससे मेन दे देंगे और गाइस उसके बाद जो हम लोग यहाँ से इन दोनों वायर्स को इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस इसको जल्दी से करते इतना मैं आपको कनेक्शन भी बताते रहूँगा, दिखाता भी जाऊँगा। देखो कनेक्शन तो बहुत ईजी है, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक जो है हमारा यहाँ से मेन निकल गया और एक यहाँ से मेन निकल गया। जो हमारा बीच वाला सॉकेट थी इससे हम लोगों ने यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर दिया है। और ये जो यहाँ पर हमारे मेन वायर्स निकल गए और गाइस उसके बाद हम लोग को चाहिए यहाँ पर जो है ये 3-3.5 इंच वाले यहाँ पर पाइप। और गाइस यहाँ पर जो मैंने एक होल कर दिया है इससे हम लोग अपना जो यहाँ पर इसका जो मेन वायर है उसको हम लोग यहाँ से जो है निकाल देंगे। तो गाइस इससे थोड़ा सा हम लोग को लंबा यहाँ पर जो है वायर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, इसमें टेप वेप लगा हुआ है। तो ये जो है अच्छे से कट कर दिया मैंने और उसके बाद हम लोग को इसके होल में से यहाँ से जो है निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अच्छे से यहाँ पर जो है नॉट लगा लेंगे, जिससे गाइस ये जो है हमारी वायर अगर टन जाए तो गाइस वो शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार यहाँ पर लगा लिया है। और उसके बाद अभी हम लोग इसको यहाँ से जो है निकाल कर इसके अंदर से पास कर देंगे और इसको अच्छे से लगा देंगे। तो गाइस ये जो है मैंने उतने ही नाप का काटा है, जिससे गाइस ये जो है इसके अंदर आ जाए अच्छे से। तो गाइस ये जो है अच्छे से हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद हम लोग जो स्ट्रिप को इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपकाते हैं सबसे पहले। तो गाइस मैंने एक रिंग काटी है, जो कि गाइस आप लोग को आगे वीडियो में पता लग जाएगा कितने साइज की है। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है कुछ पीसेस काटे हैं, जो कि गाइस नीचे पड़े हुए हैं, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है पीसेस काटे हुए हैं। और अभी हम लोग को इसको यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ इस प्रकार लगाना है और इसको जो है वायरिंग टाइप का बना देना है। हम लोग को 2 पीस ऊपर लगाने हैं और 2 पीस इस जो है ये रिंग है इसके नीचे लगाने हैं, जिससे गाइस ये जो है बीच वाला यहाँ पर जो है फ्री रहे अच्छे से, आराम से ये जो है घूम सके। तो गाइस ये जो है हम लोग यहाँ पर पीसेस को लगाते हैं अच्छे से इंस्टेंट ग्लू से। तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें 2 यहाँ पर जो है 4 ऊपर लगाए, क्योंकि गाइस 2 से ये जो है बैलेंस नहीं हो रहा था अच्छे से, ये जो है इधर उधर जा रहा था। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है 4 ऊपर लगाए हैं और 4 ही मैंने यहाँ पर जो है नीचे लगाए हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को जो हम लोगों ने बड़ा 4 इंची वाला पीस लिया था, तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो हम लोगों ने 4 इंची वाला पीस लिया था, तो गाइस ये जो है इसके अंदर आराम से आ जाएगा। और गाइस ये जो है रिंग भी मैंने जो है इसी के नाप से काटी थी। तो गाइस ये जो है इसके अंदर लगाते हैं और गाइस इसका जो ये वायर है इसको गाइस हम लोग होल करके यहाँ से निकालते हैं। देखो मैंने इसको यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार कर लिया और इसके जो है पीछे भी यहाँ पर जो है
कैप लगा दी है जिससे ये अच्छे यहाँ पर जो है लग गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर जो है लुक भी लग रहा है इसका, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है कुछ अच्छा यहाँ पर जो है लग रहा है। और ये आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है इसी के लिए लगी हुई है ये स्विच। तो अभी जो है इसको चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार इससे घुमाएंगे तो गाइस ये जो है निकल आएगा। तो अभी मैं जो है सबसे पहले फोन को ट्राइपॉड पर सेट करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है अभी अकेला हूँ तो मुझे खुद अकेले करना पड़ेगा ये सब। तो सबसे पहले ट्राइपॉड पर सेट करता हूँ मैं इसको। तो अभी मैंने फोन को ट्राइपॉड पर सेट कर दिया और गाइस उसके बाद जो है जैसे ही मैं इसको जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार घुमाता जाऊंगा तो, और ये इसको मैं जो यहाँ पर खोलता जाऊंगा तो ये जो है इसकी वायर्स यहाँ पर जो है निकल आएगी। तो मैं यहाँ पर खोलता हूँ इसको। तो गाइस आप लोग जैसे अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग को जो है पकड़ कर यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार घुमाना है और ये जो है अच्छे से खुल जाएगा। तो अभी मैं जो इसका वायर यहाँ पर जो है निकाले तो अच्छे से ये जो है थोड़ा सा अटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम पड़ गया है तो वहाँ से जो है अटक रहा है। तो इसको जो है निकाल लेता हूँ मैं इसकी वायर को जल्दी जल्दी से। तो गाइस आप लोग जो इसको अच्छे से बना सकते हैं अगर आप लोग जैसे बनाना चाहते हैं। तो गाइस मेरा तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कट लग गया इसमें, इसकी वजह से ये जो है पूरा अच्छे से नहीं घूम पा रहा, बट ये जो है फ्री है अच्छे से। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो है वायर यहाँ पर जो निकल आई है। तो इसको जो है अभी मैं इस बोर्ड में यहाँ पर जो कनेक्ट करता हूँ, ये जो है बोर्ड लगा हुआ है। तो गाइस अभी जो है इसको जल्दी से यहाँ पर इस बोर्ड में मैं लगा देता हूँ। मैंने इसको जो है यहाँ पर बोर्ड में लगा दिया और उसके बाद जो है अभी मैं इसको चेक कर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो है कैसे वर्क करता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर मेरे पास अभी टॉर्च रखी हुई है, तो अभी मेरे पास फोन नहीं है कोई एक्स्ट्रा, तो गाइस मैं जो है आप लोगों को इसी टॉर्च को जो है चार्ज पर लगा कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो इसको यहाँ पर इसके अंदर लगाऊंगा और उसके बाद हम लोग जो इसको यहाँ पर जो है टॉर्च में लगा देंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको टॉर्च में लगा देता हूँ और गाइस उसके बाद हम लोग को स्विच ऑन करना है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ज होने लगी है। गाइस आप लोगों को ब्लिंकिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से ये जो है ब्लिंकिंग दिख रही है। बस ये जो है रियल में बहुत ही अच्छी चल रही है। और गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इससे को यहाँ से जो है चार्ज कर रहा है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ से लगा हुआ है। गाइस मेरे पास प्लग नहीं था, तो गाइस इसमें आप लोग प्लग भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि हमारा जो है जो एक्सटेंशन बोर्ड था उतना बड़ी बात कर रहा था। तो गाइस आप लोग जो इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं और दोस्तों ये जो है कम कॉस्ट में ही बन जाता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। तो गाइस अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किया जाता है आप लोगों का तो वो वैसे ही फ्री होता है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।